दोस्तों इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग 2023 का रोमांच मुंबई और पंजाब के मैच में सातवें आसमान तक पहुंच गया, जहां वानखेड़े स्टेडियम में दर्शकों को पैसा वसूल मैच देखने को मिला। दोस्तों दिखाएंगे मैच का पूरा हालचाल इसी वीडियो में। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को उनके 50वें बर्थडे पर बर्थडे विशेष भर भर के दे और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों वानखेड़े में खेले गए 31वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया और पंजाब की टीम ने मुंबई के गेंदबाजों की बुरी तरह खबर लेते हुए 214 रन कूट दिए। शिखर धवन की अनुपस्थिति में पंजाब की कमान संभालते हुए सैम कर ने सबसे ज्यादा 55 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 4 छक्के जड़े और उन्हें साथ देते हुए हरप्रीत सिंह ने 41 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के जड़े। वही केवल 7 गेंदों में जितेश शर्मा ने 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ 25 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम को 214 के स्कोर तक पहुंचाया। मुंबई की ओर से पीयूष चावला और कैमरन ग्रीन ने 2-2 विकेट झटके। वही अर्जुन तेंदुलकर, जेसन बैंडोर और जोफ्रा आर्चर को एक एक सफलता मिली। वही 215 के पहाड़ जैसे टारगेट को चेस करते हुए मुंबई की शुरुआत खराब रही। ईशान किशन 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। ईशान के आउट होने के बाद रोहित और कैमरन ग्रीन ने मोर्चा संभालते हुए स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 78 रन जोड़े। रोहित शर्मा लंबा शॉट खेलने के चक्कर में 44 रन पर आउट हुए। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव और कैमरन ग्रीन ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के 4 ओवर 6 छक्कों और चौकों की बारिश की। इस दौरान दोनों ने अपने अपने अर्धशतक पूरे किए पर टीम को जीत नहीं दिलवा सके। कैमरन ग्रीन ने 43 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 67 रन की शानदार पारी खेली। वही सूर्या ने फॉर्म में लौटते हुए 26 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 57 रन की आतिशी पारी खेली। वही आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 16 रन बनाने थे। मुंबई की ओर से क्रिस पर तिलक वर्मा और टीम डेविड मौजूद थे। गेंदबाजी अर्षदीप सिंह कर रहे थे। पहली गेंद पर टीम डेविड ने 1 रन लिया। अगली गेंद पर तिलक वर्मा कोई रन नहीं बना सकी। तीसरी गेंद पर अर्षदीप ने तिलक को क्लीन बोल्ड किया। तिलक 3 रन बना सके। अर्षदीप ने इस यॉर्कर गेंद पर मिडिल स्टंप 20 से तोड़ दिया। इसके बाद स्टंप बदला गया। चौथी गेंद पर अर्षदीप ने नेहल वडेरा को भी यॉर्कर फेंकी और फिर से मिडिल स्टंप 20 से तोड़ दिया। इसके बाद फिर से स्टंप बदला गया। नेहल वडेरा खाता भी खोल ना सके। पांचवी गेंद पर अर्षदीप ने कोई रन नहीं दिया। आखिरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने 1 रन लिया। इस तरह अर्षदीप ने आखिरी ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए और 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। पंजाब ने 13 रन से मैच अपने नाम किया। तो दोस्तों मुंबई इंडियंस की हार पर आप अपनी कीमती राय कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।